इस फाइल के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों में सियासत गरमा रही है। हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो ने इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। इनेलो का कहना है कि 23 फरवरी के बाद से एस वाई एल का निर्माण कार्य वो अपने हाथ में ले लेगी। एस वाई एल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी पंजाब की ओर से हो रही बयानबाजी पर हरियाणा ने नाराजगी जाहिर की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कहा है कि देश संविधान से चलता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही होगा और लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने में सहयोग करना चाहिए। ये बात तो उन्होंने 2005 में भी कही है और उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से निरस्त किया है, इसलिए इस कहने का कोई अर्थ नहीं है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, हमारा एक संघीय ढांचा है, हमारा देश कानून और संविधान से चलने वाला देश है, इसलिए मेरा इसमें यही कहना है कि इस विषय को सब लोग मिल करके इसको समझें और इसकी गंभीरता को समझ करके इसको लागू करने में सहयोग भी करेंगे। पंजाब की ओर से हो रही बयानबाजी पर हरियाणा में भी सियासत गरमा गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो ने एसवाईएल के मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने और बीजेपी व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है कि एक तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के खिलाफ एसवाईएल के मामले पे निंदा प्रस्ताव लाया जाए। तो हम जल्दी राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, आज ही हम राष्ट्रपति जी को लिख करके भेजेंगे कि हमारी पार्टी आपसे आकर के एसवाईएल के इशू पे फिर से मिलना चाहती है, आप हमें इसके लिए समय दें। फैसला किया है कि हम 23 फरवरी तक, हमने एक डेडलाइन देंगे कि 23 तक या तो इसमें केंद्र की सरकार इस नहर के निर्माण का काम शुरू करवाए, अगर नहीं शुरू करवाएंगे तो हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को अपने साथ लेकर के जहाँ से इस हरियाणा प्रदेश की सीमा पे एस वाई नहर जहाँ पंजाब और हरियाणा के सीमा पे लगती है वहां से जाकर के खुदाई का काम हम सभी शुरू करते हैं। पंजाब से पानी ना मिलने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने पर दोनों ही पार्टियों ने इनेलो पर पलटवार किया है। जो एसवाईएल ना बनने की सबसे बड़ी कसूरवार अगर इस हरियाणा में कोई दल या नेता है तो आईएनएल लिखे हैं। जब राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था उसका विरोध करने वाले और उस अकॉर्ड के विरुद्ध में न्याय युद्ध चलाने वाले चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी और आईएनएलडी के नेता थे। सबको ये बात जाहिर है कि प्रकाश सिंह बादल जी अकाली दल के साथ इनका भाईचारा है, दोनों अकाली दल और ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार मिलकर राजनीति करते हैं। आज भी पंजाब पुलिस की सुरक्षा श्री अभय सिंह चौटाला जी और उनके परिवार के लोगों को मिली हुई है। एसवाईएल के मुद्दे पर सियासत सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी सरगर्म है। सरकार जहां इस मसले पर क्रेडिट की कवायद में है तो वहीं विपक्ष खामियों को गिनाकर घेरने की कोशिश में। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।